काम शुरू हो गया। पहले विंटर में गर्मी सर्दियों के कपड़े निकालो, गर्मियों के रखो, आज गर्मियों के निकालो सर्दियों के रखो, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो बहुत भयंकर मोटे मोटे सारे कपड़े जो मैंने धो दिए हैं वो आज मैंने सब संभाल दिया। इनकी अलमारियां देखो बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। ये अंश की अलमारी, यही कपड़े हैं बेचारे के पास गर्मियों के। ये तन्मय की कपड़े आपको इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि अंश ने अपने टी शर्ट रिटायर कर दे रिटायर कर दी है, तो अभी राधे ने फटाक से अपनी कबड़ में रख ली है। तो इसलिए राधे की कबड़ में आपको कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, और तन अंश की चला के देखो अपने सारे खाली कर दिए। ये भी नहीं कॉमन, मतलब अब मुझे नए दिलाओ। अब मेरे साथ भी ऐसे करो, मैं भी करूंगा, ये भी नहीं। तू तो खुश हो जाता है। मैं तो खुश हूँ भाई की जो भी चीजें भाई ने करा ना, ये भी नहीं। धूल मिट्टी से ना इतनी मुझे छींके आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। तो मैं जब ऐसे छींकते हैं तो प्लीज व्लॉग बंद कर देते हैं। हैं? अच्छा ठीक है, आप मुझे ट्रिक्स बता दिया तो करो। तो सबने देख लिया मुझे छींकते हुए। तो आप मुझे ट्रिक बता दिया करो कब क्या करना होता है। ओके भाई, तन्मय को लग गई ये बात बुरी। तन्मय कह रहा है मैं भी कुछ जीन्स रिटायर करूंगा, और भाई ने मुझे कौन कौन सी जीन्स दी है, तो अब देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को इसे दिखाते हो, आप लोग गवाह बनते हो मेरे। हाँ जी भाई साहब, इस जीन्स के बारे में क्या कहेंगे आप? ये भाई ने दिया आपको, ठीक है चलो। एक डन एक हम रख दें आपकी कबर्ड में, चलो। सेकंड, ये आपके बर्थडे पर खरीदी थी हमने। ओके, ये जींस भी अच्छी है, बिल्कुल देखिए बढ़िया भली चंगी। डन, ठीक है चलो डन। आवाज भी नहीं आ रही इसकी, डन। चलिए, ये तो आपकी हमने नई सिलवाई थी आसन से सिलवाई थी, भैया उनका नाम हमने आसन रखा हुआ है, आसन से सिलवाई थी। नहीं शक नहीं है, बिल्कुल आपकी लेटेस्ट है, तो ये भी डन। मेरी सुन भी नहीं है, घर में पहनेगा, ट्यूशन पहनेगा, इसके तो कितना है ना इसमें। मेरी निकरे निकाल दो, निकरों का भी जमाना नहीं आया, जमाना आ चुका है। ये वाली आपके भाई ने आपके लिए बंद दी थी सिलने के लिए। जिस पैंट में और जिस शर्ट में, जिस टी शर्ट में भाई का नाम ऐड होगा उसे ये आंखें बंद करके भी यस बोल देता है। और जो इसकी खुद की है, ये अभी जो ये टी शर्ट पहन के बैठा हुआ ना, ये भी अभी अभी निकाली है कबर्ड में से, अंश ने हटा दी, रिटायर कर दी, तो ये इसने कह दिया अब ये मैं पहनूंगा। और कुछ बोल लो, खुद ही बोल लो सब कुछ। तो एक ही जीन्स भी तुम्हारी डन है तन शर्मा जी, बोल क्यों नहीं रहा तू, कुछ राय क्यों? क्या बोलूं क्या बोलूं मैं, मुझे बताओ मैं बोलूं क्या। अच्छा, ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें दी अपनी रिटायर करके, चाहिए ब्लैक? फिक्का सा लग रहा, फिक्का सा लग रहा, तेरे पास ब्लैक एक भी नहीं है, सारी ब्लू ही है, इसलिए ऐसी नहीं, ग्रे अच्छी लग रही है, घर पे पहन लेना। डन, मन में हर बात मानता है मेरी, देखो हर चीज में। और ये भी इसके भाई ने से दी थी, कटी फटी छटी। हाँ, ये बेहतरीन है, ये सबसे बढ़िया है, ये मुझे बिल्कुल ही अच्छी लगती है, इसको बेहतरीन लग रही है, ये और पता ना, ये इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ डन। चलो सारी फिर डन, जितनी निकाली थी ना उतनी सारी डाल दी मम्मी आपने, हद है, सारी डन हो गई है। तीन लोअर अंश ने से अपने दिए हैं, और मेरी शर्टें कहाँ हैं? दो तीन जींस दी हैं। मेरी शर्टें कहाँ हैं? शर्ट्स मिल जाएगी अभी, देखिए डन। ओके फाइनल। अगर मैं आपको अभी टाइम बताऊँ ना, संडे है और टाइम हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो इसमें है ना 4:41, मतलब 5 बजने वाले हैं 10 मिनट में, शाम के 5 बज जाएंगे, और हमारा अभी तक लंच नहीं हुआ है। वो थैंक गॉड आज हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, थोड़ा बहुत सैंडविच बनाए थे, और अंश से खाए नहीं जाते ना, ड्राई सैंडविच होते हैं, सूखे सूखे होते हैं, तो उसे मम्मी को और राधे को मैंने पराठे बना कर दिया थे, और मैंने मेरे हस्बैंड ने आज खाया था सैंडविच, वो भी हमने खाए थे 12 बजे। उसके बाद फिर मैं अंश को लेकर डॉक्टर को भी दिखा कर आई, क्योंकि इसके गले में फिर दोबारा से वही अंदर इन्फेक्शन शुरू हो गया है, तो उसके लिए मैंने इसे फिर डॉक्टर को दिखाया, आज फिर एक नए डॉक्टर से हम दवाई लाए हैं। और ये मेरा बच्चा छत से अभी सारे कपड़े उतार कर लाया है जो आज सुबह से मैंने धोए थे, बहुत कपड़े धोए थे, और जैसा आप लोगों ने देखा कि मैंने गर्म कपड़े बहुत सारे रख भी दिए हैं। ये भाई को दिया, चाय दिया अंश को, अंश को भूख लग रही है, और अभी खाना नहीं तैयार हुआ है, मैंने अब खिचड़ी रखी है बनने के लिए, तो तब तक उसे हाँ। राधे को भी बहुत भूख लग रही है, और अंश को मैंने भी थोड़ी सी चाय बना के दी है कि थोड़ी सी चाय और दो बिस्किट खा, तब तक मेरा कुकर में से सीटी लग जाएगी और बन जाएगी। पता है क्या होता है,
कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं करती क्या हूँ घर में, या हमारे घर में कुछ काम नहीं होता है, या फ्री रहती हूँ तो व्लॉग भी बना लेती है और रील्स भी बना लेती है। अरे भैया, अरे भैया जी कर देखो लाइफ हमारी तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कईयों से बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे भगवान से। कपड़े बताओ मुझे पहले कहाँ रखूँ? ये कपड़े अभी तो ना बेटा अपने बेड पे रख दो, अभी अंदर वाला बेड मैंने खोलना मैं है, वहाँ पढ़ रहा हूँ, साइड में रख दे बेटा प्लीज, मेरा राजा बेटा साइड में रख दे। बच्चे भी सफर करते हैं हमारा, पता है, मैं ही नहीं जितने भी वर्किंग वुमन होंगी सैल्यूट है उन लोगों को, क्योंकि उनके संग संग उनकी फैमिली का सपोर्ट तो होता ही होता है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत सफर करते हैं, हमारे बच्चे समय से पहले ना समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमें ये काम हमारे हैं, तो वो बहाने नहीं कर पाते हमारे साथ जब वो देखते हैं कि हमें भी लगे हुए ना, तो बस वही हो रहा है। और क्या हो गया था ना पिछले 4-5 दिन को अनशन मिट रहा, तो मैं हॉस्पिटल में रही तो घर पूरा डिस्टर्ब रहा, कपड़े बहुत हो गए धुलने वाले, तो वो बस धुल रहे थे तो आज उन कपड़ों को भी प्रॉपर प्लेस में रखा है, ठंड के कपड़े हटा दिए हैं मैंने, पर अभी 20% कपड़ा मैंने बाहर ही रखा हुआ, 80% कपड़े मैंने रख दिए हैं, क्योंकि आज ही न्यूज़पेपर में आया कि बारिश। हाँ जी क्या हुआ? देखो इसकी इसे अगर पढ़ाई में से थोड़ी देर उठा दूँ ना तो फिर समझो वो थोड़ी देर नहीं होता, वो फिर 15-20 मिनट का राउंड इसका हो ही जाता है, और वही उसका हुआ। चने की दाल वाली खिचड़ी बनाई है आज, यही खाएंगे भैया शाम के 5 बजे हमारा हो रहा है लंच। शाम के 5 मैं वही कह रही हूँ, मैंने सबको लगता होगा कि हम लोगों की लाइफ बड़ी, ये 5 बजने हैं पूरे, पति कह रहे 4 बजने हैं, बताओ ये अभी भी आया है ना बाहर से, बेचारों को आते ही भूख लगी, तो थैंक गॉड मैंने पहले ही खिचड़ी रख दी बनाने के लिए। और हिसाब से देना कि रात का खाना खाना लगा अभी खा लिया रात को, फिर इधर उधर डाल 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 बनाई टेस्टी लग रही है बड़ी। पहले सबसे पहले अम्मा जी को देखा रहो, बेचारी भी आज उनको भी लेट हो गया बहुत ज्यादा, अम्मा जी को देखा रहो गरम 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 अम्मा को जल्दी दे आओ, अम्मा जी को भी आज बहुत लेट हो गया खाना। फाइनली रात के बज गए हैं 10:15 और अब डिनर वगैरह करके मैं और बच्चे और मम्मी जी फ्री हैं, हस्बैंड अभी आए हैं तो वो अभी कर रहे हैं डिनर, काफ़ी लेट हो गया आज सब कुछ, पंच की एक दवाई ढूंढने के लिए काफ़ी चक्कर काटने पड़ गए तो इसलिए हो गए लेट। और घर पे हमारे चल रही है, कौन सी मूवी चल रही है ये, कौन सी मूवी है अंशी? हैरी पॉटर, हैरी पॉटर देख रहे हैं मेरे पुत्र। और आराम से डिनर भी हो रहा है इधर, ये भी हैरी पॉटर का आनंद ले रहे हैं, ये दोनों भी हमारे हैरी पॉटर देख रहे हैं, वाह हंसी के फुहारे छूट रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय, टेक केयर।